हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? उम्मीद आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पुष्पेंद मधुरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीजे एंटरटेनमेंट ब्लॉग। हाँ जी गाइस, तो मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। नई आशा मन के साथ आप लोग सामने फिर आ गए। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, जैसे आप लोग पता है अपने शोरूम से, और जस्ट अभी आके खड़े हुए थे तो आप लोगों से मिलते चले। अभी बजा था अपना 11 बजे, तो 5 बजे वगैरह उतर रहे थे, तो सोचा आप लोगों से मिलते ही चले। तो अभी कोई आया नहीं है, जस्ट मैंने दुकान खुलवाया है, गार्ड साहब ने दुकान ओपन कर ली है। अभी चलते हैं अंदर, झटके वगैरह लगाते हैं, झाड़ू वगैरह लगवाते हैं और देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा होगा। जैसा भी होगा प्रस्तुत आपके सामने होगा दोस्तों, मेरे भाई लोग। तो चलिए गाइस, लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री राम, पढ़ते हैं ब्लॉग में आगे और देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा होता है। जैसा भी होगा प्रस्तुत आपके सामने होगा, आपके भाई के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। चलिए गाइस, चलते हैं अंदर की ओर, करते हैं ब्लॉग और वीडियो को भी कंटिन्यू। हाँ जी गाइस, तो एक बार फिर से करते हैं स्वागत आप लोगों का। और अभी बढ़िया से हो रखा है, काफ़ी अच्छी रोशनी सूर्य देवता की अपने, और अभी बज गए हैं 2:22। अभी देख लीजिए मैडम कहीं नहीं है, क्यों कुछ नहीं हो सका है, खेत में अभी तो टाइम नहीं हुआ। और अपन थोड़ा सा जल्दी आज लंच कर लिए दोस्तों, 2:22 का समय है, अपन 2:40-2:45 के आसपास करते हैं। 2:15-20 का समय था दोस्तों, बस मैडम का भी समय हो चुका है, मैडम भी चली आएंगी। और बढ़िया से साउंड में ग्राउंड में मैच भी हो रखे हैं, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, मंदिर बंद है दोस्तों। तो टेम्परेचर है अपना 41, बढ़िया टेम्परेचर है दोस्तों। गाड़ी की पार्किंग देख लीजिए दोस्तों, बढ़िया फुल पार्किंग है, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हवा चल रही है और हल्के फुल्के बादल है दोस्तों। कल रात में जैसे कि पानी गिरा था तो थोड़ा सा माहौल ठंडा बन गया था, बट अब उमस होने लगी दोस्तों, क्योंकि पानी अब गर्म उबलने लगा, नीचे का जो ज़मीन में पानी खोजा था अब भाप बन रहा है, मतलब समझ लीजिए गर्म हो रखा है। तो शाम तक के तो और गर्मी लगने लगेगी, फिर भी देखते हैं कितना क्या होता है, 2-4 दिन की और बात है दोस्तों, फिर गर्मी की जाने का मौसम चालू हो जाएगा। तो 15 जून से तो खैर मानसून आ ही जाएगा, बढ़िया। तो बात कर लेते हैं अब कस्टमर के अंदर की दोस्तों। आज अपना नंबर 3रा और 6 नंबर है, फर्स्ट राउंड में अपना नंबर आया नहीं है, सेकंड में देखते हैं आता है कि नहीं आता है। फिलहाल की लंच कर ली है, सब लोग अपने अपने हिसाब से लंच कर रहे हैं, अपने टाइम वाइम के हिसाब से, जिसका जो है सफिशेंट टाइम देता है, अपन ने तो कल जल्दी कर लिया है। तो देखते हैं शाम को नंबर आता है नहीं आता, आया तो ठीक, नहीं तो दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, और आज संडे का भी ना हो सकता आ जाए, नहीं तो अच्छे भी करना चाहिए, कर भी रहा है। तो चलिएगा इस चलते हैं अंदर, वो मिलते हैं आप लोगों से शाम के समय 8:30 के आसपास, उस टाइम की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो अभी तो हाल फिलहाल के लिए चलता हूँ अंदर और मिलता हूँ आप लोगों से शाम के समय। हाँ जी गाइस, तो अभी पहुँच चुके हैं बाहर और अभी बज रखा है 8:30 दोस्तों। थोड़ा सा बाहर आए थे मार्केट, थोड़ा टहलने वगैरह करने, सोचा आप लोगों से मिलते चले। और अभी बात करें दोस्तों टेम्परेचर की, टेम्परेचर हो रखा है अपना 37, आज थोड़ा सा कम टेम्परेचर है दोस्तों, हालांकि सुबह 41-42 के आसपास था लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है। तो ट्रैफिक वगैरह देख लीजिए कम है, अभी अपना आ रहे हैं बाहर टहलने दोस्तों, थोड़ा सा अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा लग रही थी पानी की वजह से, इसलिए थोड़ा सा बाहर आ रहे घूमने फिरने। तो सोचा आप लोगों से मिलते चलें। बात की जाए दोस्तों कस्टमर की, फर्स्ट राउंड में अपना नंबर आया नहीं था, सेकंड राउंड में अपना जो नंबर आया जो कि वर्कआउट रहा दोस्तों, सेकंड नंबर था, मैं सोच रहा था चौथा तीसरा नंबर है लेकिन सेकंड नंबर था अपना, वो वर्कआउट रहा। तो बात करें दोस्तों, आप बात की तो एग्जिट पोल का, जो चुनाव प्रचार के लिए जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो बीजेपी को बताना चाह रहा है कि 400 के आसपास सीट बन सकती है, 370 अपनी खुद की बीजेपी की है और 40 उसको सपोर्ट मिलकर 400 के आसपास बन रहा है। तो एग्जिट पोल तो कह रहा है, खैर अनुमान सही लगा रहा है, लेकिन अब देखें किसकी क्या सीट बनती है। तो एग्जिट पोल जहाँ तक 90% सही निकलता है, बट 10% या 1% बहुत बड़ी बात होती है। तो एग्जिट पोल तो ये कह रहा है 400 दे रहा है, लेकिन अब रिजल्ट ही बताएगा कि 400 है या कुछ है, कितना है, जो भी है। तो फिर आएगा 2 दिन बाद रिजल्ट का इंतज़ार। तो इसी के साथ अपन चलते हैं अब दोस्तों वापस से अपने शोरूम,
और मिलेंगे आप लोगों से छुट्टी के समय, जो कि राइट टाइम मुझे लग रहा है। और यहाँ देख लीजिए ग्राउंड में मैच कार्यक्रम हो रखा है, तो चलते हैं अंदर और मिलते हैं आप लोगों से 9 बजे के आसपास, जो कि राइट टाइम है। उसी टाइम कुछ और वार्तालाप हो जाएगी दोस्तों। हाँ जी गाइस, तो चुकी छुट्टी पीछे देख लीजिए अपना शोरूम बस है और गाइड सब डल रहे हैं पानी दोस्तों, और अपन कर रहे हैं संदीप का वेट। और बताना चाहूँगा दोस्तों, T20 का आज आगाज भी हो चुका है, तो सुबह वाला जो मैच था वो अपना अमेरिका USA में जीत चुका है कनाडे से, और अभी है गया वेस्ट इंडीज़ और शायद साउथ अफ्रीका किसका था मैच, तो आज वो भी मैच चल रहा है, तो देखते हैं कौन मैच जीतता है। वैसे तो आप लोग पता है कौन सी टीम मैच खेल रही है, बस मुझे वेस्ट इंडीज़ का ध्यान है आज 2 मैच पे, तो देखते हैं कौन फटाफट से मैच जीतता है, क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने ही होगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए करते हैं संदीप का वेट, और आता है तो चलते हैं सीधे घर और देखते हैं आप लोगों से मुलाकात कहाँ होती है मेरे भाई लोग। तो गाइस अभी हो रखे हैं 10:10 और पता चला है संदीप थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, बच जाएंगे 11:30, हो गए थोड़ा सा काम से कंपनी के, तो आज का ब्लॉग मैं ये सोचता हूँ यहीं एंड कर दूँ। और उम्मीद करते हैं ब्लॉग अच्छा लगा आपको, ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आप लोगों के सामने हाजिर हो जाए। तो फिलहाल के लिए वीडियो में गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर होना दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए बाय बाय, जय राम जी। हाँ जी गाइस, तो करते हैं ब्लॉग को एंड, रात में कर नहीं पाए थे तो करते हैं अभी उसको फटाफट से एंड। उम्मीद करते हैं ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर देना दोस्तों, कि आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर होना दोस्तों, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय राम जी के मेरे भाई लोग।